आइए आज हम बनाएंगे इस नेनुए की सब्जी। इसे कई जगह पे तरोई भी बोला जाता है, हम लोग इसे नेनुआ भी बोलते हैं। तो इस नेनुए को देखिए, हमने 1 किलो नेनुए को अच्छी तरह से छीलकर काटकर और धोकर इसे रख लिया है। और इसके साथ हम बनाएंगे इसमें डालकर ये मूंग की बड़ी। ये मूंग की बड़ी हमारे घर में ही बनाई हुई ये मूंग की बड़ी है, हमने मार्केट से नहीं खरीदा है। तो इस मूंग की बड़ी के साथ आज हम इस नेनुए की सब्जी को बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई को देखिए, हमने फ्लेम पर रख दिया है गर्म होने के लिए। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप जिस तेल का अपने घर में यूज करते हैं उसी तेल में आप बना सकते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हम अपनी ये मूंग की बड़ियों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसे आपको बहुत अधिक जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा गोल्डन कर निकाल लेना है। देखिए 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये बड़ी भी तल चुकी है, इससे हम इससे अधिक रोस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। और अब इसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच और भी ऑयल डालेंगे सरसों का। और इसमें 1 चम्मच हम मेथी दाना डालेंगे। और ये 2 लाल सूखी लाल मिर्च, इसे भी आप हल्का सा रोस्ट हो जाने दीजिए। देखिए हमारे मिर्च और मेथी रोस्ट हो गए हैं। इसमें हम डालेंगे ये 2 बड़ी प्याज, आप मीडियम नहीं, क्योंकि इसमें प्याज की मात्रा थोड़ी अच्छी डाली जाएगी तभी ये सब्जी अच्छी बनेगी। तो 2 बड़े प्याज को हमने बारीक बारीक काट कर दिया। प्याज को हल्का सा गोल्डन कर लेना है ताकि इसमें से थोड़ी सी टोनी टोनी सी खुशबू आने लगे। ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है और इस बड़ियों के साथ तो इस भिंडी की सब्जी बहुत ही टेस्टी। और इसमें मैं मसाला बहुत ही कम यूज करूंगी और हेल्दी भी होगी और ऑयल भी कम ही इसमें लगता है। आप चाहें तो इससे भी कम ऑयल में प्याज को भून सकते हैं। प्याज हमारी भून रही है और देखिए जिस वक्त आप गरम गरम बड़ियों को निकालिए भूनकर, उसी वक्त इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि ये बड़ियां इसमें डूबी रहे। इस तरह से ये बड़ियां बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो जाती हैं और डालने पर टूटेंगे भी नहीं। देखिए हमारी प्याज अब लाल हो चुकी है और इसमें अब हम अपने इस नेनुए को डाल देंगे। चलिए इसमें तरोई डालने के बाद आप इसे ऊपर नीचे चला दीजिए थोड़ा। और इसमें अब हम कुछ सूखे मसालों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें अपने सॉल्ट को आप स्वाद अनुसार सॉल्ट डालिए, बहुत अधिक आप सॉल्ट नहीं डालिएगा क्योंकि ये सब्जी गल जाती है। और इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा हम डालेंगे, 1/4 ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 जीरा पाउडर, इससे अधिक अब हम मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे। चलिए इसे आप मिला लीजिए और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, सिर्फ हल्का सा हमें पानी डालना है, बहुत अधिक पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये खुद ही नहीं हुआ बहुत अधिक पानी छोड़ देगा। और इसे मिलाने के बाद अब चलिए इसे हम ढक देते हैं और ढककर 15 से 20 मिनट तक इसमें हम इसे स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। चलिए 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। देखिए अभी हमारे नेनुए ने कितने पानी को छोड़ दिया है। और इस वक्त आप थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा दीजिए और इसके पानी को हम थोड़ा सा सूखने देंगे और इस तरह से इसे थोड़ी सी थपथपा दीजिए ताकि इसमें जो खड़े चम्मच होंगे ये गल जाएंगे। और अब हम अपने इन बड़ियों को इस पानी में से निकाल देंगे। देखिए इसमें से हमने सारे पानी को निकाल दिया। तो देखिए इसमें अब हमारे पानी काफी सूख गया है। इस तरह से आप इसे थपथपाते जाइए ताकि बड़े बड़े जो ये नेनुए होंगे गल जाएंगे। और अब आइए इसमें हम अपनी बड़ी को डालेंगे। देखिए अब हमारी बड़ी इसमें डाल देंगे
इसे आप अच्छी तरह से पूरी बड़ियों को इसमें मिला लीजिए। बड़ियों को इसमें मिलाने के बाद इसे हम अब मीडियम फ्लेम पर ढककर कम से कम 5 से 6 मिनट तक और इसमें पकने देंगे, ताकि हमारी बड़ियां इसमें थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा पानी इसका और सूख जाए। चलिए ढक देते हैं। एक बार बीच में आप इसे थोड़ा चला दीजिएगा ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। और देखिए हमारी बड़ी भी इसमें अब काफी हद तक पक गई है और ये पानी भी अब सूखने लगा। बस इसे हम 2-3 मिनट तक थोड़ी सी और पानी को इसमें सुखा लेंगे और उसके बाद हमारी ये बहुत ही टेस्टी सब्जी तैयार हो जाएगी, नेनुआ और मूंग बड़ी की। आप इसे रोटी के साथ या फिर चावल दाल के साथ भी गर्मा गर्म खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए अब हमारी ये सब्जी बनकर रेडी हो गई है। बस इसी तरह हम इसे थोड़ा सा हल्का सा मतलब हल्का सा पानी इसमें रहना चाहिए, नहीं तो एकदम सूखा बहुत अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से आप इसे निकालिए और इस तरह से आप अपने बड़ियों को भी चेक कर लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से पके हैं कि नहीं। देखिए इस तरह से ये बड़ी बहुत ही आसानी से टूट जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी ये बड़ी भी इसमें पक चुकी है अच्छी तरह से। तो चलिए फ्लेम को हम ऑफ करते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। कैसी लगी आपको हमारी सब्जी? इस तरह से आप बहुत ही टेस्टी और यम्मी इस तरह की सब्जी बनाइए नेनुए की, और इस मूंग की बड़ी के साथ भी बनाइए तो ये हेल्दी भी है दोनों, और टेस्टी तो बहुत लगती है कि एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर भी कीजिए, और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की यम्मी रेसिपी उनके नोटिफिकेशन पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।